नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। जो 6 जनवरी को जो पेपर हुआ पॉलिटिकल साइंस का, उसके हम आंसर की कंप्लीट यहाँ पर 150 क्वेश्चन है उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है वो ज़रूर दबा लें। काफ़ी बड़े कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसकी ने किसको संबोधन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसमें, बिल्कुल राष्ट्रपति को। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अपने फास्टली कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है ओडिशा के राज्यपाल द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल 2 राइट होगा, 8 दिसंबर 1976। आपके जितने मार्क्स सही कंप्लीट क्वेश्चन हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 PS बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें, ऑप्शन नंबर 1 होगा, दलीप सिंह भूरिया समिति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, खतन दिए में ए और आर भारत के स्थायी सरकारों में संवैधानिक दर्जा प्रदान है, भारत के निर्वाचित स्थायी संस्थाओं में अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है? तो जो क्वेश्चन 5 है उसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें, कि ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर के द्वारा ए की सही व्याख्या की गई है ये बताया गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 6 नंबर आपका, निम्नलिखित विद्वानों ने में से किसने विचार दिया कि भारत में लोकतंत्र साधारणतः निर्वाचनों तक सीमित हो गया है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कम से कम अपने पास ओनली 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने, और बाकी क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर हम करेंगे। तो आगे चलते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस विचार विद्वान ने यह मत प्रदान किया कि भारत के लोकतंत्र की जीविता का कारण यह है कि यहाँ पर वास्तविक रूप से सर्वतिर लोकतंत्र है और जो है वो की विशेषता विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, लीज बार्ट होगा राइट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, खतन 1 व खतन 2 दी आज राजनीति की बेहतर समझ बहुत ही स्त्रियों की होती है और स्त्रियों के आरक्षण के प्रावधान से स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों की अच्छी संख्या में मौजूदगी होती है? तो ऑप्शन नंबर बता दें इसमें, जो कूट पूछा था 8 नंबर क्वेश्चन में, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें। थोड़ा चलते हैं तो नीचे देख सकते हो, इसमें 1 तथा 2 है वो सत्य, परंतु सेकंड के द्वारा 1 की व्याख्या नहीं की गई है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 9 नंबर, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जो काल पूछा था, इसमें कालक्रम के अनुसार जो 4 ऑप्शन दिए थे, बर्लिन दीवार का पतन, रूसी क्रांति, तो दिए हुए थे इसमें। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, पहले होगा BDAC। तो देख सकते हो BADC ऐसी हिसाब से 4 4 है वो इसमें का कालक्रम था इनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शीत युद्ध के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो शीत युद्ध के बारे में गलत कथन वो पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 4 है, संयुक्त राज्य में 4 नंबर होगा, मैं फर्स्टली कर लेता हूँ थोड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गए, ताकि आपको ज़्यादा आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन आपको आपको इसका एक ये क्वेश्चन है जो आपको मैं नहीं बता रहा, बाकी आगे क्वेश्चन हम कम्प्लीट है वो करेंगे। आइए चलते हैं आगे की ओर, मैं आपको जो है कन डाउटफुल है तो नहीं बताऊंगा, अगर आपको पता तो आंसर कर सकते हो कमेंट में आप इसका। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को सैन्य उद्योग गठजोड़ के बारे में चेतावनी दी है? तो 12 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 होगा आपके, आइजेनहावर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, आकाशिकों के महाजोड़ का संबंध क्या है? तो 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 होगा, इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 14 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है? तो 14 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 होगा, अलकायदा व तालिबान शासन के विरुद्ध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख सकते हो 15 नंबर में, किसने ये विचार दिया कि प्राधान्य अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है? तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर 3 होगा, जॉर्ज स्वार्जनबर्ग ने। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे मार्क्स कमेंट्स में जरूर लिखें। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने पिकासो की अजीब अमूर्त कृति की तरह फैला हुआ जटिल गठबंधन कहा है? तो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट होगा,
डेग हैमरशोल्ड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन के मध्य शताब्दी का संबंध पूछा है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन से है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर एक होगा यूरोपियन यूनियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ के पास समान है, तो यूरोपियन संघ के पास समान है ऑप्शन नंबर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ACD। ए सी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो बी राष्ट्र गान है, ये नहीं है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 19 नंबर, आसियान रीजनल फॉरम फॉरम को स्थापित किया गया, तो 19 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 का 1994 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सन 1967 में 67 में आसियान का निर्माण किया गया था, तो 20 नंबर क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन नंबर 2 का जापान घोषणा द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरम चाणक्य टू मोदी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक व लेखिका है, तो 21 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 का अर्पणा पांडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 22 नंबर, 60 वर्षों तक बंद रहने के पश्चात तिब्बत व सिक्किम के बीच का पारंपरिक व्यापार केंद्र नाथुला दर्रा पुनः किस वर्ष खोला गया, तो 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 का 2006 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 23 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका वो, इसमें बता दूं इसमें ऑप्शन ABC है, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। किसमें कौन से हैं इसकी स्थापना है, बी और सी, तीनों ऑप्शन है इसके बिल्कुल राइट है, तीनों ही ऑप्शन कथन सही है इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, आप देख सकते हो ये राइट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी संप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए, तो 24 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का 2006 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 25 नंबर, किसने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह कहा कि निर्विवाद रूप से भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर करेगा, तो 25 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका आपको इसका राइट आंसर है वो सही तरीके से बताना है, इसका कन्फर्म नहीं है, थोड़ा सा डाउटफुल है तो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर भी आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकांग गंगा कॉरपोरेशन का सदस्य नहीं है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आपका 2 होगा चीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पारंपरिक राजनीति सिद्धांत को परंपरा बताने का वाले विचारक हैं, तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा रॉबर्ट डहल। क्योंकि मैं आपको गलत क्वेश्चन बताकर आपको कन्फ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको जो राइट आंसर है वही कम्प्लीटली बताना पसंद करूंगा, क्या कि आप कन्फ्यूज ना हो। राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिचय की कुछ निश्चित विशेषता होती है, तो 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा ABC है, वो ऑप्शन इसमें सही है, बिल्कुल सही विकल्प चुनना, तो ABC इसका राइट आंसर, डी नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित विचारों में से कौन सा भाषाई दर्शन से संबंध है और संदर्भवाद से संबंध है, तो 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका लुडविंग विटगेंस्टीन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा एकदम राजनीति सिद्धांत के पतन के विचार को नकारता है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा ईसा बर्लियन एम लियो स्टोस। हम जो लेट जरूर लेके आ रहे हैं आंसर की, लेकिन एकदम सटीक अच्छी आंसर की लेके आए हैं आपके लिए। इतिहास का अंत जैसा मानव जाति के वैचारिक उद्भव चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र सार्वभौमिक है, तो मानव सरकार की स्थापित अंतिम रूप है, ये खतन किसका है, तो ये खतन है वो बता दें आपको, ये खतन जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये फ्रांसीसी फुकुयामा का ये खतन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, राजनीति विज्ञान के तत्व के संदर्भ में ये कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, इसमें खतन 1 और खतन 2 दिए गए हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शन आपका 3 होगा, इसमें एक खतन 1 2 दोनों है वो सत्य हैं, देख सकते हो खतन विज्ञानी व्याख्या वाला। राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने किए, तो 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन 2 होगा मेक्सिको ने, मेकियावेली ने वो किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं 34, निम्नलिखित विचारों में से विचारक ने पूछा तो अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, तो इसमें 34 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेडरिक हेगेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कार्यों के विषय में व्यक्तिवादियों के पक्ष में किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है, तो 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा योग्यतम की विजय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है, तो 36 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शन आपका 3 है, 1 सकारात्मक अच्छाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप 37 नंबर, जैसे ही हम ऑस्ट्रेलिया की रुख की वैधानिक धारणा दूर करते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं, तो संपूर्णता के संदर्भ में खतन है, तो 37 नंबर में ऑप्शन 3 होगा लिकोका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से
किस विद्वान ने द्वितीय व्यवस्था का सार्वजनिक विमर्श के लिए संयत्र तंत्र कहा है? तो 38 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का, जेम्स ब्राइस पे। नेक्स्ट है 39 नंबर, देख सकते हो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी शख्सियत करती लेजिस्लेटिव चर्चने में विधायिका के पतन का उल्लेख किया है? तो 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए होगा, केसी हवियर है, हवियर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका के उच्च सदनों के सही समूह को पहचानिए? तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और पार्षद सदन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो 41 नंबर क्वेश्चन है, संघीय न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करने वाला देश है? तो 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 3 का स्विट्जरलैंड है, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना था, इसमें देख सकते हो सिमोन चेम्बर्स और आइंस्टीन मेरोन जॉन डरकोर फिलिप फेरेटिस। तो इसमें बता दें इसका राइट आंसर आपका जो 42 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दो सॉरी आप मिलान कर लेना, यहाँ पर बता देता हूँ, 2 2 1 3 4 होगा, आप मिलान कर सकते हो, मैं मिलान करके बताऊंगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा अपने को। फिर नेक्स्ट 43 नंबर, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उत्तम व उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है, ये खतरनाक है? तो 43 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन ए होगा आपका, राइट आंसर जी एस मील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 नंबर, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह है? तो 44 नंबर ऑप्शन ए होगा, अनेक सरकारें लिखित संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 45 नंबर, लाख सौ टोगे पर सूचकांक संबंधित है? तो 45 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक और राजनीतिक दलों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था मानता है? तो 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आपको आपको कमेंट में थोड़ा सा करके बताना, इसका राइट आंसर कम्प्लीटली मैं नहीं बताऊंगा आपको। लिपसेट रोकन द्वारा दिया गया राजनीतिक दलों का मॉडल किस क्षेत्र में सम्मिलित दलों की उत्पत्ति पर आधारित है? तो 47 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक होगा, पश्चिमी यूरोप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के तूफानी दस्ते व माओ के लाल रक्षक दोनों ने राजनीतिक दलों के संगठन की व्याख्या अनुसार किस श्रेणी में आएंगे? तो 47 नंबर क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वो एक होगा, मिलिशिया इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आगे चलते हैं, दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहने वाले विचारक हैं? तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 का, थॉस्टिन शेलिन एवं रिचर्ड्स लैम्बर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, शब्दावली उदास झूठ निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है? तो 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्लेटो से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अरस्तु को राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया है? तो 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 का जो कोइनोमिया है इसका राइट कोइनोनिया सॉरी कोइनोनिया है, पढ़ने में मिस्टेक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, कोटिले के अनुसार द्रोणमुख है? तो ऑप्शन नंबर 2 का 400 गाँव का मुख्यालय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिले के अनुसार सीता दक्ष का क्या कार्य दायित्व है? तो 53 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 होगा, कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रसारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 54 आए, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया कि मैकियावेली को केवल बुराइयों के शिक्षक के रूप में चित्रित किया जा सकता है? तो 54 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लियो स्ट्रॉस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए? तो 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, देख सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, 1 और 3 जिसमें खतन है वो बिल्कुल सही है, एक देख सकते हो खतन 1 ऑप्शन नंबर 3 राइट, जो खतन 1 और इसमें खतन 1 है और 3 सही, दोनों से इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने ये तर्क दिया है कि जॉन लॉक बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थन है? तो 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, सीवी मैक्स फॉरन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता निम्नलिखित में से किस लेखक को लेकिन रूसो के चिंतन को पूंजीवाद और पूंजीवाद, 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको थोड़ा कमेंट में करना है दोस्तों। अब आ गया, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन और आएगा जो मैं नहीं बताऊंगा और कम्प्लीटली आंसर किए आपको मिलेंगे, बस एक क्वेश्चन और आएगा जिसका आंसर कन्फ्यूजिंग है और सभी आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे आगे के, जो क्वेश्चन नंबर 88 का होगा, उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपको इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजकता भ्रम कहा है? तो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का बेंथम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जेएस मिल द्वारा लिखी गई है? तो 59 नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 2 का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह दावा करता है कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें आपका राइट आंसर, जुर्गेन हैबरमास। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित नेताओं में कौन से सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओपन ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर पार्टी के सदस्य रहे हैं? तो ऑप्शन 61 नंबर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, एम एन रॉय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, दी लाइफ डिवाइस के लेखक हैं? तो 62 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 होगा, जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्लेटो की किस पुस्तक का महा महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया? तो 63 नंबर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर 3 का, अपोलोजी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने स्वयं पर जिन व्यक्तियों के सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया वह समूह को बचानी है? तो 64 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 का, मोतीलाल गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा का उन्मूलन पुस्तक में अम्बेडकर ने अस्पृश्यता से मुक्ति तभी संभव मानी है जब, तो इसमें सही विकल्प बताने, तो 65 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा, एक और दो विकल्प इसमें बिल्कुल राइट है, देख सकते हो विकल्प एक अंतर्जातीय और अंतर्जातीय खान पान। तो राइट आंसर इसका आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर है वो 4 हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर 65 नंबर क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, चोखंबा राज्य में सिद्धांत का किसने समर्थन किया है? तो 66 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, R.M. लोहिया ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 67 नंबर है, खाम गठबंधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजनीति से संबंधित है? तो 67 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 होगा, राजस्थान से है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ भारत में ये किस, ये तो आपको इंदिरा गांधी ने वो दिया था पता है 1971 में, सभी को पता होगा नारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित पंथ आंदोलन का प्रारंभ पूछा है? तो 69 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 का, महाराष्ट्र में इसका प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दी गई इसको सम्मिलित करना, इसको कोर्ट को DMK और ये दिए गए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें ऑप्शन आपका बता दूं, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है ये राइट हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा इसका, देख सकते हो इसमें पहले आप मिलाओगे तो इसमें मिल जाएगा 3 4 1 2, इस हिसाब से आप मिला सकते हो इसको, 3 4 2 1 हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 और सूची 2 से फिर से मिलाना एमडे डांगे और भारतीय जनता, तो सीधा राइट आंसर ही बता देता हूँ मैं इसका, 71 नंबर क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा समय लगेगा तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, 1 2 3 4 सारे आपस में सीधे ही मिलेंगे, 1 2 3 4 इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख सकते हो, बेहतर नंबर निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में प्रथम बार संयुक्त विधायक गठबंधन सरकार की स्थापना हुई? तो 72 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी 1 होगा। मैं पिछला क्वेश्चन दोबारा बताना चाहूँगा, पिछले क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हुई है आपको बता दूँ, पिछला क्वेश्चन जो मैंने शायद गलत बता दिया इसका दोबारा से पढ़ के देते हैं। इसका राइट आंसर आपका जो 71 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सॉरी दोस्तों 4 1 2 3 होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, आप मिलान कर लिए अपने पेपर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हो, बेहतर मैंने बता दिया, 73 निम्न खतरों में से कौन सा कथन असत्य पूछा इन्होंने? तो जो 73 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, चिपको आंदोलन और शराबखोरी का विरोध का आंदोलन है ये नहीं है भैया, सत्यगन चिपको आंदोलन तो पेड़ों से संबंधित था, ये शराबखोरी का नहीं था आपको पता ही है। निम्नलिखित में किस लेखक का भारत के बारे में विचार है कि एक संविधान में इस बात की ओर इंगित करता है? तो इसका भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, इसका राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, 74 नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 2 का, आंद्रे बेताई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत तो कहाँ पे हुई थी? 75 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 का, राजस्थान में इसकी शुरुआत वो हुई थी। फिर नेक्स्ट UNSO जी यहाँ पर सॉरी आपको कन्फ्यूजिंग किया था, इन्होंने आर थोड़ा सा गलत दिया था, तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट हो सकता है 76 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक संबंधों के संबंध में बनाया गया, तो यहाँ उस पर आई होना चाहिए था मेरे हिसाब से, आर गलत दिया था यहाँ पर, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के मध्य हुए भूमि सीमा समझौते 2015 भारत द्वारा प्रदत्त किया जा रहे एनक्लेव से संबंधित राज्यों का सही क्रम है? तो 77 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 होगा, असम मेघालय त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के संदर्भ में सबसे पसंदीदा देश MFNS का सही समूह पहचानी, सितंबर 2018 का बताना है। तो 78 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बांग्लादेश मालदीव नेपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना था, तो 79 नंबर क्वेश्चन है
इसमें ऑप्शन नंबर आपका चार होगा, 1 2 3 तीनों सही है, इसमें खतन है वो, तीनों अच्छे से पढ़ सकते हो, तीनों खतन यहाँ पर सही दिए गए। फिर 780 नंबर क्वेश्चन है जो, तो किस दिना को भारत भूटान के बीच मित्रता की संधि शांति मांग में एक दूसरे को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर हस्ताक्षर किए गए। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर तीन होगा, 8 अगस्त 1949। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दो, हैंड इन हैंड 2018 का आतंकवाद विरोधी अभ्यास संयुक्त रूप से किन देशों ने किया था, तो किन देशों ने किया था, 81 नंबर क्वेश्चन में, इसमें ऑप्शन नंबर आपका एक राइट है, भारत और चीन ने वो किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुनाव के एक अध्ययनरत मतदाताओं की पसंद वाला, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, विशेषताओं को दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो 82 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार होगा, नियमितताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के अर्थ में संदर्भ में सही उगम पहचानना, इसमें से तो सही उगम उसको पहचानना अपने को, तो बता देते हैं इसमें सही उगम 83 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसमें एक राजनीति विज्ञान में एक रॉबर्ट डेल नवीन क्रांति था, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर में से कौन सा डेविस डेविस इंटर ईस्टर्न की व्यवस्था में उपागम के मांगों को अति भार की समस्या को कम करने का नियामक यंत्र है, तो 84 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर तीन हो गया जाएगा, सांस्कृतिक यंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्थाओं की कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है, तो सूची यहाँ पर चार दी गई है, इनमें आप अपने को बताना है, इसमें जो सूची है वो दी गई है, इसमें देखो ABCD दी गई है, इसमें से कौन सा खतन है वो बिल्कुल इसका सही चुनाव, सही विकल्प करना है इसका, तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसमें तीन होगा, ABD, ABD इसका स्वीकार्य है, वो बिल्कुल इसमें आप मिला सकते हो ऊपर अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजनीतिक विज्ञान संबंधित श्रृंखला को सही युग्म चुनना है, तो चार युग्म यहाँ पर दिए गए, इसमें से सही युग्म अपने को चुन के बताना है, तो 86 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर है वो तीन राइट होगा, ल्यूसियन पाई एन परिभाषिक प्राथमिकता होंगी, ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडनी वर्मा, इसमें भी सही सुमेलित ही बताना है आपको, राइट आंसर जो 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो होगा, जर्मनी विमुख एवं आकाशापूर्ण राजनीतिक संस्कृति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 88 नंबर, किस विद्वान ने संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा है, तो 88 नंबर क्वेश्चन में, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, मैं आपको एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन और छोड़ूंगा, ये 88 नंबर का था, बाकी आगे के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध को इकाई विटो व्यवस्था कहता है, तो 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर तीनों का मार्टिन कापलान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थवादी सिद्धांत की मूल मान्यता, यहाँ पर चार दी गई है, उनमें से राइट आंसर सही कौन सी आपको बतानी, सही विकल्प चुनना, तो 90 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका इसका दो होगा, एक व दो है वो बिल्कुल इसमें, 1 2 4 इसका राइट आंसर, 1 2 4 इसका राइट आंसर वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं अपने, तो 91 साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धांत के दानवी सिद्धांत देने वाले विचारक हैं, तो 91 नंबर इसमें दो होगा, मार्गन थाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण, ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही क्रम पूछा था, तो 92 नंबर है, उसमें ऑप्शन नंबर दो होगा, बोधगम्यता करना, स्मरण करना और चिंतन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं, तो 93 नंबर के उसमें ऑप्शन योग्यता शिक्षण कुशलता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 94 नंबर, शिक्षण निम्न में से कौन सा कथन सही, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा क्योंकि इसमें चारों कथन ही बिल्कुल राइट है, तो आपको मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने की जरूरत है, ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चार, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्न में से कौन से केंद्र बिंदु होते हैं, तो 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर तीन होगा, 76 बिल्कुल राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के निम्न में से किसको उपयोग से अधिगम ने सभी उद्देश्य तथा ज्ञानात्मक गुणात्मक क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है, तो 96 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ऑप्शन नंबर तीन होगा, प्रतिमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रक्षेप है और यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है, तो 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दें इसका राइट आंसर 97 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए खालिस्तान दिया, इसमें बताना है खालिस्तान में सही नाम भर के बताना है, तो आपको बता दें 98 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीन होगा, इरिक्सन इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप है पियाजी के अनुसार औपचारिक संक्रियाओं का अवस्था है, तो पियाजी के अनुसार 99 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका दो, 12 वर्ष की वयस्क अवस्था इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए
सो किशोर मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न से किसकी भूमिका अहम होती है? तो 100 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 होगा, इन सभी की होती है, तीनों की सभी की भूमिका यहाँ पर जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रवृत्ति है? तो 101 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है, माता पिता का स्नेह एवं प्यार। फिर नेक्स्ट है, किशोरों में आक्रामकता तनाव और तूफान की स्थिति में उन्हें सामाजिक स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों मानकों पर आधारित है, तो इसका समर्थन करता है, इसका समर्थन कौन करता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर जो भी होगा, 102 नंबर क्वेश्चन है इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानव शास्त्रीय सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103, मूलतः निर्देशन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो मूल निर्देशन के 103 में कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 7 प्रकार है वो बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, समायोजन व्यक्ति के लिए खालिस्तान याद दिया गया, तो वाक्य को सही आंसर पर चुनना है बिल्कुल इसके लिए, तो खालिस्तान के लिए यहाँ पर से योग्य क्षमता देरी व्यवस्था, तो 104 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर योग्यता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें आप अपने 104 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें व्यवस्था भी सेटिंग बैठता है, लेकिन यहाँ पर योग्यता राइट आंसर है, सही सटीक उत्तर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन एम रॉयन में कितने शिक्षण कौशल बताएं? तो 105 नंबर क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन नंबर 14 बताए इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल है तो 106 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर शिक्षक व्यवहार, इसमें क्या है? शिक्षक व्यवहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो 107 आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, दंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वैज्ञानिक पुस्तक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो 108 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, रिचर्ड सचमैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो 109 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर संदेश भेजने वाला संदेश माध्यम प्राप्त करता है, फिर मोडेम का पूरा नाम है, तो 110 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 होगा, मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य है? तो 1 गीगाबाइट का है वो ऑप्शन 111 में ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 गीगा 10 MB यानी मेगा बाइट होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, जल विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एम प्रोग्राम में खो जाते हैं, तो 112 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 होगा, रेम होगा, क्योंकि इन सब में या डाटा वो सेव रहेगी, इसमें कुछ नहीं रहता है लाइट जाने के बाद, विद्युत जाने के बाद आपका। निम्न में से किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? तो 113 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, मॉनिटर को, सभी ने राइट किया इस क्वेश्चन को शायद, कंप्यूटर द्वारा साइनाइजेशन का उपयोग। तो 114 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, शिक्षण को प्रभावित करता है, सबसे सही आंसर यही राइट होगा, वैसे सभी इसमें सही लग रहे हैं, लेकिन राइट आंसर एकदम 3 माना जाएगा इसमें। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है? तो 115 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, सुगम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति बनी है? तो 116 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 117 नंबर 117 नंबर ऑप्शन नंबर 2 ने, विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता, यानी बदलता ही, तो राइट आंसर था इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रदान के लिए निम्न में से कौन सी शैली उपयुक्त है? इनमें से तो शैली बतानी है, इसमें जो शैली बतानी है वो बता दें, 118 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 एकीकृत शैली इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन संस्था के संबंध में सारणी की आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाता है? तो 119 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बता आपका ऑप्शन नंबर इसका 3 ही बिल्कुल राइट आंसर है इसके, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो हो जाएगा पिछले का। फिर आया था 121 नंबर, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 120 में ऑप्शन नंबर 2 होगा, डेनियल गोलमैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 121, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 121 में ऑप्शन नंबर आपको 4 होगा, इनमें से किसी को नहीं किया गया आपको बता दें, 3 है वो। फिर में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, किसने राजनीति सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शास्त्र के रूप में वर्णित किया है? तो 122 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर बता दें ऑप्शन नंबर 3 होगा, कार्ल फॉफर ने। फिर नेक्स्ट, राजनीति सिद्धांत का प्रासंगिक है? तो 123 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3, इसमें बता दें आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, सेकंड राइट होगा, सही विकल्प चुनने तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 124 नंबर, जो सिद्धांत दिए कथन ए और कारण आर, इसकी सही बताना, इसमें कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसका 124 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर के द्वारा ए की सही व्याख्या की गई है ये बताता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा निम्नलिखित विचारों वाला है। तो प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं है परंतु एक विधिमान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है। तो 125 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 होगा, सैमुएल्स हंटिंगटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विचारकों में से कौन सा ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो 126 नंबर क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन नंबर होगा एक टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 127 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है। 127 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, पितृ सत्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सूची एक और सूची दो में सम्मिलित करण के बताना है। इसमें सूची एक और दो में बिल्कुल सम्मिलित करना है, एक तरफ विचारक एक तरफ इनका दृष्टिकोण है। तो जो क्वेश्चन आपका 128 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बता दें, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट होगा, 3 इसका 3 नंबर राइट होगा, 3 2 1 4 इसका राइट आंसर होगा। आप मिला सकते हो इसमें, बच्चे 4 मिलाओगे, 2 से मिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा, चौथे का है वो आप देख सकते हो, चौथे का चौथा हो आपको पता चल जाएगा, और पहले तीसरे का जो एक नंबर ऊपरी ऊपर वो है तो आप देख सकते हो इसका वो एक नंबर हो जाएगा। तो इससे 2 मिलाते हैं आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विभेदीकरण नागरिकता का विचार प्रस्तुत किया है। तो 129 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका, आयरिश मेरियन यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, नागरीवाद मानववाद को संबोधन करने के लिए विल किमिलिका की शब्दावली का उपयोग है वो करता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 130 में ऑप्शन नंबर 2 का, बहुसांस्कृतिक वर्तमान का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है। तो आपको बता दें इसका, सॉरी पिछले हाँ पिछले हमने देख लिया, 131 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। तो 131 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जॉन रॉयल्स। फिर नेक्स्ट रॉयल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, रॉयल्स रॉयल ने समाज में लाभ और बाहर में वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत माना है। तो 132 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, विवेकशीलता को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में संकेत यहाँ पर दिए गए, तो इनमें सही कथन पूछा है। तो बता दें 133 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 और राइट होगा, 1 और 2, आर्थिक उन्नति सूचकांक की दर और आयु संभाविता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर को संलग्न किया। तो 34 नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 2 का, 284 ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। 135 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बता दें एनी मास्क्रीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो 136 नंबर क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, नैतिकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 137 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, 4 राइट हो जाएगा आपका, राज्यसभा, सॉरी थोड़ा हिल गया, राज्यसभा में, अरे सॉरी क्या दिक्कत आ गई, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है एक समान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ऐसे प्रशासक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ऑप्शन 138 नंबर क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, भारत की संसद के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयोग समिति द्वारा ये अनुशंसा की गई भारत के संविधान के भाग 4 का शीर्षक परिवर्तन कर इसे राज्य की नीति के निर्देश तत्व अनुयोज कर दिया गया है। तो 139 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संविधान कार्यकरण की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पद निरपेक्ष विरोधी नीतियों को लागू किया गया तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बताना है, इसके अंदर निर्धारित किया गया। तो 140 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, MR बॉम्बई बनाम भारत का संघ 1994 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में कारारोपण की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। तो 141 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 का, संसद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहमति निवेदन बिना राज्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। तो 142 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 का, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत आयोग संविधान अनुच्छेद 263 उपखंड अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना करता है। तो इसमें 143 नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, लोक हित में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। तो 144 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका, हो जाएगा जो लोकसभा
लोकसभा सभा के जो स्पीकर को, इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अब एंड आने वाला है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए आप। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है। तो 145 नंबर क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में विश्व भारती के कुलाधिपति कौन है? तो 146 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, भारत के प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 147 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कृत भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो 147 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल वो चार आई ऑप्शन बता दें, ए बी सी डी, इसमें चारों कथन बिल्कुल इसके सही है। इसमें आपका ए बी सी डी है वो चारों कथन इसमें बिल्कुल राइट राइट है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, सही उत्तर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत के उच्चतम न्यायालय में उल्लेख किया गया कि संसदीय विशेषाधिकार का अभिन्न अंग है? तो आपको 148 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 होगा, एम एस एम शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान में संदर्भ में वर्णित सही समूह पहचानिए? तो 149 में ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया था भारत के संविधान अनुच्छेद 145 के अंतर्गत भारत के संविधान में निर्वाचन के बारे में विधि को कोई का सारवान प्रश्न अंतर्भित है? तो इसका बताना था आपको को। 150 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5। तो आज के 150 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए, कुछ क्वेश्चन हमने जरूर छोड़े थे जो डाउटफुल थे, हम गलत आपको नहीं बताना चाहते थे, कम्प्लीटली बताए। वीडियो चलो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, के पास में बेल आइकन जो बेला, यहाँ पर आप हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकोगे और काफ़ी फायदा है वो आपकी एग्ज़ाम को हम मैं आपके तैयारी को महत्वपूर्ण यानी बेहतर करने का हम प्रयास है वो जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।